हेलो एवरीवन, और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन डिस्कस करेंगे। तो दिस लेक्चर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था टू दिस टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो वहाँ पर हमने देखा था इनहेरिटेंस और वेरिएशन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ द जीन्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफरिंग्स। और वेरिएशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो वेरिएशन इज द डिफरेंसेस इन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, ये होता है वेरिएशन। इसके बाद हमने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, विच इन्वॉल्व ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे कि हमने एक कैरेक्टर ले लिया हाइट, ठीक है, तो हाइट के दो फिनोटाइप्स हो सकते हैं, या तो टॉल हो सकता है या तो ड्रॉफ प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, क्लियर। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है। तो मेंडल ने, आपको पता है, मेंडल पी प्लांट पे वर्क कर रहे थे, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम, एंड मेंडल चोज सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, तो मेंडल ने एक मेल पेरेंट लिया, एक फीमेल पेरेंट लिया, और ये जो पेरेंट्स थे दे वर ट्रू ब्रीडिंग। अब ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स क्या होते थे, तो दीज ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाते रहते हैं, सेल्फिंग की वजह से क्या होता है, दीज प्लांट्स, दीज आर होमोजाइगस फॉर दी ट्रेट्स। अब जब दो प्लांट्स जो हैं ये आपस में इनको क्रॉस कराए, तो F1 जो बना, F1 में क्या देखा मेंडल ने, क्या ऑब्जर्व किया, कि सिर्फ एक ही ट्रेट अपीयर हो रहा था, ठीक है, जो डोमिनेंट ट्रेट था वो अपीयर हो रहा था इन दी F1। और फिर F1 की सेल्फिंग के बाद F2 में द रिसेसिव ट्रेट ऑल्सो अपीयर्ड इन 3:1 रेशियो। तो फिनोटोपिक रेशियो यहाँ थी 3:1 और जीनोटोपिक रेशियो थी 1:2:1, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फिर हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स के बारे में पढ़ा। तो डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, अ क्रॉस दैट इन्वॉल्व्स टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस को अगर हम स्टडी करें, तो वी कैन एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या क्या कहता है, या इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। सो ये जो लॉ है, ये स्टेट करता है दैट अलील्स ऑफ अ जीन दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अलील्स ऑफ द अनदर जीन, क्लियर। या तो हम बोल सकते हैं द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द of the inheritance of the another character, or the inheritance of one character is not influenced by the inheritance of the other character, clear। इसके बाद हमने polygenetic inheritance और pleiotropy के बारे में पढ़ा। तो polygenetic inheritance यानी कि polygenes, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी genes, यानी कि multiple genes are controlling one phenotype, या आप बोल सकते हैं more than two genes are controlling वन फिनोटाइप। यूजली एक जीन के दो अलील्स होते हैं, और अलील्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दे आर ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन, क्लियर। तो पॉली जीन्स में क्या होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, मोर देन वन अलील और मोर देन वन जीन इज कंट्रोलिंग अ कैरेक्टर। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं हाइट या स्किन कलर। तो यहां पर आप स्किन कलर की बात करें, तो वहां पे तीन जीन्स हैं ए बी और सी, तो दीज आर कंट्रोलिंग द स्किन कलर। इसके अलावा ये जो ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, विच आर कंट्रोल बाय मल्टीपल जीन्स, ये ट्रेट जो है वो इन्वायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, क्लियर। फिर इसके बाद हमने प्लियोट्रॉपी के बारे में पढ़ा था। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, सिंगल जीन इज कंट्रोलिंग मल्टीपल फिनोटाइप। तो वहां पे हमने फिनाइल किटोनोरिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम सेक्स
डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, फिर म्यूटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। अब हम तो सेक्स डिटर्मिनेशन पहले हम पढ़ते हैं। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज ऑलवेज बीन अ पजल बिफोर द जेनेटिस्ट। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे कि ह्यूमंस में आपको पता है मेल में एक्स वाई क्रोमोजोम होता है, फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है। तो सेक्स जो है किसी भी इंडिविजुअल का, वो कैसे डिटरमाइन कर सकें, या सेक्स जो है वो क्या चीज डिटरमाइन करती है। द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय व्हाट फैक्टर्स। ठीक है, नाउ द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल मैकेनिज्म्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन कैन बी ट्रेस बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट इन द इंसेक्ट्स। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स थे जिसपे एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो इन इंसेक्ट्स पे जो स्टडी हुई उसकी वजह से हम जेनेटिक एंड क्रोमोसोम मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को समझ पाए। ठीक है, क्लियर? नाउ इन फैक्ट द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस मेड इन अ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो साइटोलॉजिकल क्या होता है? साइटोलॉजिकल स्टडीज क्या होती है? स्टडी ऑफ द सेल। तो सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, सेल के फंक्शन को स्टडी करना और सेल की केमिस्ट्री को स्टडी करना, ये होता है साइटोलॉजिकल स्टडीज। तो साइटोलॉजिकल स्टडीज इन्वॉल्व स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड केमिस्ट्री ऑफ द सेल। क्लियर? सो द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मेड इन अ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। नाउ हेनकिंग इन 1891 कुड ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन अ फ्यू इंसेक्ट्स। And it was also observed by him that 50% of the sperm received this structure after spermatogenesis, whereas 50% sperm did not receive it. तो हैनकिन थे, तो हैनकिन ने 1891 में, तो he was able to trace a specific nuclear structure, यानी कि ये जो structure है वो nucleus के अंदर present था। ठीक है, तो इन्होंने इस structure को trace किया थ्रू दी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया, या सिंपली आप बोल सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। ठीक है, तो इन्होंने ये स्टडी कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्यू इंसेक्ट्स, और इन्होंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था, सो इट वॉज अ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 50% और जो स्पर्म थे, 50% स्पर्म में ये स्ट्रक्चर था और 50% ऑफ द स्पर्म में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, नाउ हैनकिन गेव अ नेम टू द स्ट्रक्चर एज एक्स बॉडी बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस। तो हैनकिन ने, ठीक है, ये ऑब्जर्व तो किया, ओके कोई ऐसा न्यूक्लियस में स्ट्रक्चर है जो कि 50% ऑफ द गेमीट में जा रहा है और 50% ऑफ गेमीट्स में नहीं जा रहा। ठीक है, तो इन्होंने इस स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी कह दिया, पर वो इसका सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये जो एक्स बॉडी है, पहले तो ये है क्या, और एक्स बॉडी जो है वो 50% ऑफ द स्पर्म में क्यों जा रहा है और 50% ऑफ द स्पर्म में ये क्यों नहीं जा रहा। ठीक है, क्लियर? आपको पता है जो मेल होते हैं, मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो मेल में जो 50% जो गेमीट्स हैं उसमें एक्स क्रोमोसोम जाएगा और जो 50% गेमीट्स हैं उसमें वाई क्रोमोसोम जाएगा। क्लियर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ फर्दर इन्वेस्टिगेशंस बाय अदर साइंटिस्ट लेड टू द कंक्लूजन दैट द एक्स बॉडी ऑफ द हैनकिन वाज इन फैक्ट अ क्रोमोसोम एंड दैट इज व्हाई इट वाज गिवन द नेम एक्स क्रोमोसोम। क्लियर, तो बाकी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस पर इनका वर्क कंटिन्यू किया और उन्होंने ये कंक्लूड किया जो हैनकिन ने एक्स बॉडी कहा था, जिनको एक्स बॉडी वर दी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट थे। आपको ये पता है क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
क्लियर, वो बहुत ही टाइटली कॉइल्ड होते हैं, ठीक है, ताकि वो न्यूक्लियस के अंदर एकोमोडेट हो पाए, ठीक है। तो अदर साइंटिस्ट कंक्लूडेड दैट एक्स बॉडी ऑफ हेनकिन वॉज इनफैक्ट अ क्रोमोजोम। एक्स बॉडी क्या था, वो एक क्रोमोजोम था, और इसको नाम दिया गया एक्स क्रोमोजोम। तो फीमेल्स में दो एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, और मेल्स में एक एक्स क्रोमोजोम होता है और एक वाई क्रोमोजोम होता है। नाउ इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ एक्स ओ टाइप, दैट इज ऑल द एग बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोजोम बिसाइड द अदर क्रोमोजोम्स विच आर नोन एज ऑटोजोम्स। तो आपको पता है क्रोमोजोम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं ऑटोजोम्स और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोजोम। तो जो ऑटोजोम्स होते हैं दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन या सेक्स आप बोल सकते हैं, ठीक है, दे डोंट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्लियर। तो लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स में क्या देखा गया था, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज एक्स एक्स ओ टाइप। एक्स ओ टाइप का मतलब क्या है, जितने भी एग्स होंगे, एग्स क्या होते हैं फीमेल गैमीट, दे बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोजोम बिसाइड द अदर क्रोमोजोम दैट आर नोन एज ऑटोजोम्स। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बियर द एक्स क्रोमोजोम वेयर एज सम डू नॉट, ठीक है। तो जो मेल गैमीट थे जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, तो स्पर्म में या तो एक्स क्रोमोजोम था या तो एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट नहीं था, पर जो फीमेल जो गैमीट थे जो एग्स थे उनमें सब में एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट था। पर 50% अगर मेल्स के बारे में बात करें, 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोजोम था और 50% स्पर्म में कोई भी क्रोमोजोम प्रेजेंट नहीं था, तभी इसको बोलते हैं एक्स ओ टाइप। नाउ एग्स फर्टिलाइज बाय द स्पर्म हैविंग एन एक्स क्रोमोजोम बिकम द फीमेल। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं वो होती हैं एक्स एक्स, लिख सकते हैं फीमेल है एक्स एक्स। तो ऐसे ह्यूमंस में भी होता है, फीमेल एक्स एक्स होती हैं और मेल्स होते हैं एक्स वाई। नाउ एग एग में एक्स क्रोमोजोम है। नाउ एग्स फर्टिलाइज बाय द स्पर्म हैविंग द एक्स क्रोमोजोम, स्पर्म में भी एक्स क्रोमोजोम है, तो यहां पे जो ऑफरिंग्स बनेगी दैट विल डेवलप इन टू द फीमेल। एंड दोज फर्टिलाइज बाय द स्पर्म That do not have an X chromosome becomes the male. तो अगर egg fertilizes with the sperm that do not have an X chromosome, this becomes the male. तो males क्या होंगे, X O. Clear? तो आप यहां देख सकते हैं जो females हैं वो एक प्रकार के gametes produce कर रही है और जो males हैं वो दो प्रकार के gametes produce कर रहे हैं। males में क्या हो रहा है, half of the sperms में एक्स क्रोमोजोम है और बाकी हाफ ऑफ द क्रोमोजोम में एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट नहीं है। तो फीमेल्स जो हो गई वो हो गई होमोगैमेटिक सेक्स, यानी कि होमोगैमेटिक मतलब वो एक प्रकार के गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। यहाँ मेल्स क्या हो गए, मेल हो गए यहाँ पे हेटरोगैमेटिक, यानी कि वो दो प्रकार के गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो एक्स जीरो जो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है दैट इज नोन एज मेल हेट्रोगेमिटी। मेल हेट्रोगेमिटी मतलब मेल इज प्रोड्यूसिंग टू काइंड ऑफ गेमीट्स। यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, दो प्रकार के गेमीट्स बन रहे हैं, यानी कि जो स्पर्म्स हैं हाफ ऑफ द स्पर्म्स में एक्स क्रोमोजोम है, हाफ ऑफ स्पर्म्स में एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट नहीं है, इसको बोलते हैं हेट्रोगेमिटी। नाउ डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द मेल एंड द फीमेल आर इक्वल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसेक्ट्स में, कुछ इंसेक्ट्स में जिसमें एक्स जीरो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है या सेक्स मैकेनिज्म है, क्या उसमें मेल और फीमेल में इक्वल क्रोमोसोम्स होंगे, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि आप देख सकते हैं जो फीमेल्स है उसमें ऑटोजोम के अलावा दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं और मेल्स में ऑटोजोम के अलावा सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, फीमेल्स में अगर हम लिखें तो फीमेल में एक्स एक्स प्लस ऑटोजोम्स
और मेल्स में अगर हम लिखें तो हो गया एक्स जीरो प्लस ऑटोजोम्स। तो मेल में एक क्रोमोजोम कम होता है, ठीक है, इन एक्स जीरो सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। नाउ ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्स क्रोमोजोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, इट वॉज डेजिग्नेटेड टू बी द सेक्स क्रोमोजोम एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोजोम वर नेम्ड एज ऑटोजोम्स। अभी जो एक्स क्रोमोजोम है, ठीक है, ये सेक्स को डिटरमाइन करता है, सो दिस इज इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स। तो तभी इसको हमने डेजिग्नेट कर दिया था एज सेक्स क्रोमोजोम एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोजोम्स वर नेम्ड एज ऑटोजोम्स। और बाकी की जो क्रोमोजोम्स थे जो सेक्स डिटरमाइन नहीं करते, तो दीज आर नोन एज ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स। क्लियर? अब ग्रास हॉपर इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, एक्स ओ या एक्स जीरो बोल सकते हैं, टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच द मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोजोम बिसाइड द ऑटोजोम। तो यहाँ पे मेल्स में सिर्फ एक क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है और बाकी के क्रोमोजोम जो होते हैं वो होते हैं ऑटोजोम, ठीक है। तो ये होता है एक्स जीरो बोल लीजिए, एक्स ओ सिस्टम बोल लीजिए। नाउ वेयर एज फीमेल्स हैव द पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम्स, क्लियर, फीमेल्स में दो एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। नाउ दीज ऑब्जर्वेशन लेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ नंबर ऑफ स्पीशीज टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो इन्होंने फिर लेटर ऑन क्या किया साइंटिस्ट ने, दे ऑब्जर्व्ड एंड दे इन्वेस्टिगेटेड नंबर ऑफ द स्पीशीज, ठीक है, to understand the mechanism of the sex determination. Now, in a number of other insects and mammals, including man, the XY type of sex determination is seen, where both male and females have same number of the chromosomes. ठीक है, clear? तो हमें पता है, humans जो हैं, जो man हैं, man जो हैं, वो mammals हैं. इसके अलावा कुछ insects में भी, क्लियर, इंसेक्ट्स में और मैमल्स में इंक्लूडिंग मैन, यहाँ पे एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम होता है। तो यहाँ पे मेल्स जो हैं उसमें दो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई, और फीमेल्स में, ठीक है, अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, यानी कि दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स में। तो यहाँ पे दोबारा आप देख सकते हैं जो फीमेल है वो जो भी गैमीट्स प्रोड्यूस कर रही है उस गैमीट्स में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो ऑल द गैमीट्स, यानी या आप कह सकते हैं ऑल द एग्स दैट विल कंटेन ओनली द एक्स क्रोमोसोम। और मेल्स में क्या होगा, 50% ऑफ द स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होगा, 50% ऑफ द स्पर्म में होगा वाई क्रोमोसोम। तो हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, तो फीमेल्स जो होंगी वो होंगी एक्स एक्स, ठीक है, यानी कि जो भी यहां गैमीट्स बन रहे होंगे उसमें सिर्फ होगा एक्स क्रोमोसोम। और जो मेल्स होते हैं वो हो गए एक्स वाई। तो 50% ऑफ द गैमीट्स में एक्स क्रोमोसोम जाएगा, 50% ऑफ द गैमीट में जाएगा वाई क्रोमोसोम। तो ये क्या गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक्स एंड वाई। ये क्या गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ओनली एक्स। तो ये है गेमीट्स, ठीक है, क्लियर। नाउ अमंग द मेल्स एन एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट बट इट्स काउंटर पार्ट इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर एंड कॉल्ड द वाई क्रोमोसोम। तो मेल्स के अगर बारे में बात करें तो मेल्स में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, पर उसका जो काउंटर पार्ट होता है, ठीक है, दैट इज distinctively smaller and called the Y chromosome. तो Y chromosome होता है वो थोड़ा छोटा होता है as compared to the X chromosome. ठीक है, अब आगे चलते हैं। Now females however have a pair of X chromosome. Females में X chromosomes होते हैं, ठीक है। Now but male and females bear same number of autosomes. पर यहाँ पे क्या हो रहा है, male और females में दोनों में same number of autosomes होते हैं, और एक्स एक्स और एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे इन बोथ मेल एंड द फीमेल।
क्लियर. हेंस द मेल हैव ऑटोसोम्स प्लस द एक्स वाई व्हाइल द फीमेल्स हैव ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स. तो एग्जांपल अगर हम ले ह्यूमन का, तो ह्यूमन में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर होते हैं. क्लियर. तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. और 23 पेयर्स होते हैं. ठीक है, 23 पेयर हो गए 46 क्रोमोसोम. तो इसमें से आप देख सकते हैं 22 जो होते हैं, ठीक है, 22 पेयर हो गए आपके ऑटोसोम्स के. ठीक है, तो एक गैमीट्स क्या बने यहाँ पे, 22 ऑटोसोम्स हुए उसमें और एक एक्स क्रोमोसोम हो गया. इन केस ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स में सारे क्रोमोसोम में 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक्स क्रोमोसोम होगा, तो ये हो गया फीमेल्स में. अब मेल्स में क्या होगा, मेल्स में 22 तो ऑटोसोम्स हो गए प्लस एक्स, ये गैमीट बनेगा. और दूसरा गैमीट क्या बनेगा, 22 ऑटोसोम्स प्लस वाई. ठीक है, तो दीज आर द गैमीट्स प्रोड्यूस इन द मेल, क्योंकि मेल में एक्स और वाई दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. फीमेल्स में जितने भी गैमीट्स होंगे, ठीक है, उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होगा. तो दीज आर द गैमीट्स, These are also the gametes in the males. ठीक है, क्लियर. अब humans में 44 ऑटोसोम्स होते हैं और दो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम. अगेन humans के बारे में बात करें तो 44 तो हो गए ऑटोसोम्स और दो हो गए सेक्स क्रोमोसोम. तो एक्स एक्स हो सकता है, ये होगा फीमेल. ठीक है, और अगर 44 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई होगा तो दिस इज मेल. तो ये मेल है और ये है फीमेल. दिस इज क्लियर. अब आगे चलते हैं. तो आप देख सकते हैं यहां पे मेल और फीमेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. ठीक है, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है दोनों में, मेल और फीमेल में, और ऑटोसोम्स का नंबर भी सेम है. पर एक्स ओ सिस्टम में क्या होता था, वहां पर मेल्स में एक क्रोमोसोम कम होता है एज कंपेयर टू दी फीमेल्स. ठीक है, क्लियर. अब आगे चलते हैं. नाउ इन ह्यूमन बींग्स एंड इन ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला इट इज द मॉडल ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में हमने पढ़ा था. तो इन ह्यूमन बींग्स एंड इन ड्रोसोफिला द मेल्स हैव वन एक्स क्रोमोसोम एंड वन वाई क्रोमोसोम्स, वेयर एज फीमेल हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम्स. तो ड्रोसोफिला में भी और ह्यूमंस में भी सेम काइंड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म होता है. तो यहां पे दिस इमेज इज, यह इमेज है दिट इज शोइंग यू द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय द क्रोमोसोमल डिफरेंस. तो आप ए और बी देख सकते हैं यहां पे क्या है, मेल है तो मेल को ऐसे रिनोट करते हैं, ठीक है, फीमेल को ऐसे रिनोट करते हैं. तो मेल में एक्स क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम होते हैं. वाई क्रोमोसोम होता है इट इज शॉर्टर एज कंपेयर टू द एक्स क्रोमोसोम. फीमेल्स में अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, यानी कि दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. वैसे ही इंसेक्ट्स के बारे में बात करें, इंसेक्ट्स में भी क्या होता है, एक्स वाई, जैसे कि ड्रोसोफिला हो गया, ड्रोसोफिला में भी एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम होता है. तो इसमें भी ये मेल्स हो गए, ये हो गया फीमेल हो गया. तो मेल में भी एक्स और वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, वाई क्रोमोसोम थोड़ा छोटा है. और फीमेल में, ठीक है, ये फीमेल है, फीमेल में अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. तो ह्यूमन और ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इज सेम, दैट इज इट इज एक्स वाई. फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पढ़ लेते हैं ए और बी. Both in humans and in Drosophila, the female has a pair of X chromosomes. That is, female is homogametic. ये जो female है, females are homogametic. Homogametic का मतलब इसमें जो gametes होंगे या जो eggs होंगे उसमें सिर्फ X chromosome ही present होगा. तो ये एक प्रकार का gamete बना रहे हैं, सिर्फ females में सिर्फ एक प्रकार के gamete बनते हैं, और जो males होते हैं, males में दो प्रकार के gamete बनते हैं. तो मेल्स में
50% ऑफ गेमीट में एक्स क्रोमोसोम आएगा और 50% ऑफ गेमीट में आएंगे वाई क्रोमोसोम। फीमेल्स में 100% गेमीट में होंगे एक्स क्रोमोसोम, हम लिख सकते हैं 100% गेमीट्स में होंगे एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो फीमेल्स हो गई होमोगैमेटिक सेक्स एंड द मेल इज एक्स वाई एंड इट इज हेटरोगैमेटिक। अब आपको होमोगैमेटिक और हेटरोगैमेटिक में मतलब समझ आ गया। हेटरोगैमेटिक मतलब दो प्रकार के गेमीट्स बन रहे हैं, होमोगैमेटिक मतलब सिर्फ एक टाइप का गेमीट बनता है, क्लियर। अब बात करते हैं सी जो है इमेज। नाउ इन मैनी बर्ड्स, तो काफी बर्ड्स में क्या होता है, फीमेल हैज अ पेयर ऑफ डिसिमिलर क्रोमोसोम। तो ये फीमेल है, फीमेल में डिसिमिलर क्रोमोसोम है, तो ये डिफरेंट है फ्रॉम द एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। तो ये था एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। एक हमारा है सिस्टम ZZ और ZW सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, फीमेल्स जो होती हैं, फीमेल्स में दो प्रकार के गेमीट्स प्रेजेंट होते हैं और मेल्स में होते हैं वो दो प्रकार के, आप देख सकते हैं क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक Z है और एक W है, और मेल्स में सिर्फ एक ही प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है जिसको हमने नाम दिया है Z। तो ये Z और जो W हमने नाम दिए हैं ये बस डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने दिए, ठीक है। तो दिस नेम हैज बीन गिवन जस्ट टू डिस्टिंग्विश दिस सेक्स मैकेनिज्म विद द अनदर सेक्स मैकेनिज्म, नहीं तो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फीमेल है, फीमेल्स दे आर हेटरोगैमेटिक। तो ये जो फीमेल्स हैं यहाँ पे फीमेल्स हो गई हेटरोगैमेटिक, यानी कि वो दो प्रकार के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं फीमेल हेटरोगैमिटी। तो यहाँ पे जो 50% एग्स हो गए उसमें जेड होगा, 50% एग हो गए उसमें डब्ल्यू होगा। फिर ये मेल हो गए, मेल में मेल्स आर होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक होता है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, होमोगैमेटिक में एक ही प्रकार के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, क्लियर। सो इन मैनी बर्ड्स फीमेल हैव अ पेयर ऑफ डिसिमिलर क्रोमोसोम ZW एंड द मेल हैव सिमिलर XZZ क्रोमोसोम्स, क्लियर। तो हमने तीन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लिया अभी, X जीरो बोल लीजिए उसको, ठीक है, फिर XY और एंड देन ZZ एंड ZW सिस्टम, क्लियर। तो यहाँ पे आगे चलते हैं हम आगे। नाउ इन द अबव डिस्क्रिप्शन यू हैव स्टडीड अबाउट टू टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म XO एंड XY टाइप। नाउ बट इन बोथ केसेस मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीट्स, ओके, फर्स्ट वन ईदर विद और विदाउट द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, जो कि हो रहा है XO सिस्टम में, एंड सम गेमीट्स विद एक्स क्रोमोसोम एंड सम विद द वाई क्रोमोसोम। तो ए जो है वो है आपका ये वाला सिस्टम, और जो बी है दैट इज एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, क्लियर। तो यहां पे मेल हेटरोगैमेटी कौन शो कर रहे हैं, एक्स ओ और एक्स वाई, एक्स ओ और एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म में मेल हेटरोगैमेटी शो होती है। तो आप लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है, तो यहां पे लिखा है मेल हेटरोगैमेटी, हेटरोगैमेटी जो मेल हेटरोगैमेटी है That is shown by X, O and XY system. Clear? यहां पे जो मेल है वो दो प्रकार के गैमिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म में। आगे चलते हैं। Now in some other organisms, for example the birds, a different mechanism of sex determination is observed. तो birds में हमने देखा, ठीक है, males जो हैं वो हैं होमोगैमेटिक और फीमेल्स जो हैं वो हैं हेटरोगैमेटिक। नाउ इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन द बोथ मेल्स एंड द फीमेल्स। तो इस केस में भी क्या होता है, जो मेल और फीमेल है उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नाउ बट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स इन टर्म्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फीमेल, दैट इज फीमेल हेटरोगैमिटी। तो फीमेल हेटरोगैमिटी क्या होता है, production of two different kind of gametes in the female, this is known as female heterogamity.
तो वही आप बताए, बट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स इन टर्म्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल सेल. ठीक है, क्लियर. नाउ इन ऑर्डर टू हैव अ डिस्टिंक्शन विद द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्क्राइब अर्लियर, द टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फीमेल बर्ड हैज टू बी डिजाइनेटेड टू बी जेड एंड डब्ल्यू क्रोमोसोम. तो कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, तो थ्रू अवॉइड कन्फ्यूजन जो बर्ड्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है उसमें हमने सेक्स क्रोमोसोम को जेड और डब्ल्यू नेम कर दिया. ठीक है, नाउ इन दीज ऑर्गेनिजम्स द फीमेल हैव वन जेड एंड वन डब्ल्यू क्रोमोसोम. तो इसमें फीमेल्स में एक जेड और एक डब्ल्यू क्रोमोसोम होता है. ठीक है, या बोल सकते हैं फीमेल के जो गैमेट्स हैं यानी कि एग्स है, 50% ऑफ एग में जेड होगा और 50% ऑफ एग में होगा डब्ल्यू. ठीक है, वेयर एज मेल हैव अ पेयर ऑफ जेड क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम. तो मेल्स में क्या होता है, मेल्स होगा जेड जेड और फीमेल हो गए जेड डब्ल्यू. ओके, ये क्या हो गए मेल्स और जेड डब्ल्यू हो गए फीमेल्स. सो अपार्ट फ्रॉम द ऑटोसोम्स इन मेल जेड जेड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, इन फीमेल जेड एंड डब्ल्यू क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. तो यहां पे आप देख सकते हैं फीमेल हेट्रोगेमिटी है. यहां पे फीमेल्स आर प्रोड्यूसिंग टू काइंड्स ऑफ गेमीट. तो लिख सकते हैं यहां पे दिस एन एग्जांपल ऑफ फीमेल हेट्रोगेमिटी. ठीक है, फीमेल्स जो है वो दो प्रकार के गेमीट्स प्रोड्यूस कर रही हैं. हाफ ऑफ द एग्स में होगा जेड क्रोमोसोम, हाफ ऑफ द गेमीट्स में होगा डब्ल्यू क्रोमोसोम. ठीक है, आगे चलते हैं. अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस के बारे में. नाउ इट हैज बीन मेंशन दैट द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन ह्यूमंस इज एक्स वाई टाइप. आउट ऑफ 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट, 22 पेयर्स आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल्स एंड द फीमेल्स एंड दीज आर द ऑटोसोम्स. तो ऑटोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, तो दे आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल एंड द फीमेल. ह्यूमंस मेल और फीमेल में जो ऑटोसोम्स होते हैं दैट आर एग्जैक्टली सेम. और कितने ऑटोसोम प्रेजेंट होते हैं आप बोल लीजिए, 44 ऑटोसोम्स या 22 पेयर. और जो ठीक है, इतना क्लियर है. तो फीमेल्स में क्या होता है, 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स, ये बोल सकते हैं 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स. और मेल्स में होता है 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम प्लस एक्स वाई. ठीक है, क्लियर. तो यहां पे मेल्स क्या हो गए, तो 44 क्रोमोसोम्स हो गए, ऑटोसोम्स हो गए 44 ऑटोसोम्स मतलब 22 पेयर प्लस एक्स वाई हो गए फीमेल, टोटल हो गए 46 क्रोमोसोम. वैसे ही फीमेल्स हो गई, फीमेल्स में भी 44 क्रोमोसोम प्लस एक्स एक्स, टोटल हो गए 46 क्रोमोसोम. नाउ अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फीमेल वेयर द प्रेजेंस ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर डोमिनेंट ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक. तो फीमेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल्स में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं. अब जो वाई क्रोमोसोम्स हैं उसमें कुछ जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं होलेंड्रिक जीन्स. ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस अमंग द मेल्स टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड. तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता था, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म. तो स्पर्म बनने के दौरान 50% स्पर्म में एक्स आएगा, 50% स्पर्म में वाई आएगा. 50% ऑफ द टोटल स्पर्म प्रोड्यूस कैरी द एक्स क्रोमोसोम एंड रेस्ट 50% विल कैरी द वाई क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम्स. तो क्या गैमेट्स बने हैं यहाँ पे, मेल्स में लिख सकते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल गैमेट, 22 प्लस एक्स ये गैमेट हो गया और दूसरा गैमेट क्या हुआ, 22 प्लस वाई. ठीक है, और फीमेल गैमेट्स तो आपको पता है वो होंगे 22 प्लस एक्स, सारे फीमेल गैमेट्स में 22 प्लस एक्स होगा. क्लियर. नाउ फीमेल्स हाउएवर प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ ओवम विद ए एक्स क्रोमोसोम. फीमेल्स के गैमेट क्या होंगे, फीमेल गैमेट होंगे 22
प्लस एक्स, ऑल द फीमेल गैमेट विल कंटेन 22 प्लस एक्स। ठीक है, क्लियर। अगर अब जो एग है वो इस स्पर्म से फर्टिलाइज करता है तो बनेगा फीमेल चाइल्ड, अगर जो एग है वो इस स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है तो वो बनेगा मेल। ठीक है, नाउ देयर इज अ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम विद स्पर्म कैरिंग ईदर एक्स और वाई क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। नाउ इन द केस द ओवम फर्टिलाइजेस विद द स्पर्म कैरिंग द एक्स क्रोमोसोम द जायगोट डेवलप्स इनटू द फीमेल। ठीक है, क्योंकि उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे एंड द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम और द एग विद द वाई क्रोमोसोम कैरिंग द स्पर्म रिजल्ट्स इनटू द मेल ऑफस्प्रिंग्स। तो मेल में होगा एक्स वाई क्रोमोसोम्स। Now, thus, it is evident that it is the genetic makeup of the sperm that determines the sex of the child. तो humans में, ठीक है, child का जो sex है वो कौन determine करता है? वो determine करता है male. तो usually एक, ठीक है, misconception है कि जो female होते हैं, female they determine the sex of the child. But actually it is not, ठीक है, but the male parent, the male partner, ठीक है, it determines the सेक्स ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि मेल्स में दो प्रकार के क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है एक्स और वाई। नाउ इट इज ऑल्सो एविडेंट दैट इन सच प्रेगनेंसी देर इज ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, देर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड। क्लियर। Now, it is unfortunate that in our society, women are blamed for giving birth to the female children and have been ostracized and ill-treated because of this false notion. So, kya karna chahiye? Education should be given regarding this issue. Awareness should be spread regarding this issue among the couples. Theek hai? Among the teenagers also. Theek hai? So, they should be made aware that the sex of the fetus, the sex of the offspring, this is determined by the father and not the mother. आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है? ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल काइंड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है। सो द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअल रिसीव्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड द सेक्स इन द हनी बी। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। नाउ एन ऑफरिंग्स फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ द स्पर्म एंड द एग डेवलप्स एज अ फीमेल। तो फीमेल या तो वो क्वीन हो सकती है या वो वर्कर हो सकती है। तो जिस फीमेल को रॉयल जेली खिलाते हैं वो क्वीन बन जाती है और बाकी जो है वो वर्कर बन जाती है। क्लियर। नाउ हनी बी में एक और चीज क्या होती है, वहां पे पार्थिनोजेनेसिस होता है। तो पार्थिनोजेनेसिस की वजह से मेल्स बनते हैं, मेल ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जिसको बोलते हैं ड्रोन। सो एंड एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज अ मेल बाय द मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। तो यहाँ पे क्या होता है, हनी बीज में जो फीमेल्स होती हैं वो हो गई डिप्लॉयड और जो मेल हो गया वो हो गया हैप्लॉयड। यानी कि फीमेल्स में टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट because they are formed by the union of the sperm and the egg. और जो males होते हैं, ठीक है, they are produced by parthenogenesis. Parthenogenesis क्या होता है? When an unfertilized egg develops as a, ठीक है, when there is a development of the organisms without fertilization, or we can say development of the organism from unfertilized egg. तो यहाँ पे fertilization नहीं हो रही, unfertilized मतलब there is no fertilization. तो मेल्स जो बनते हैं हनी बी में, दे आर हैप्लॉइड एंड दे आर नोन एज ड्रोन एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोजेनेसिस वेयर देयर इज नो फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, फीमेल्स में दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और मेल्स में सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो फीमेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड और जो मेल्स हैं वो गए हैप्लॉयड। Now this means that the males have half the number of the chromosome than that of the female. So this is completely true. तो जो males होते हैं उसमें half the number of chromosome होंगे,
एज कम्पेयर टू द फीमेल, बिकॉज फीमेल्स आर डिप्लॉयड. ठीक है, फीमेल्स जो हैं वो हैं डिप्लॉयड और मेल्स जो हैं मेल्स हैं हैप्लॉयड. क्लियर? तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स द सेक्स कैन बी डिटरमाइंड इन द हनी बी. द फीमेल्स आर डिप्लॉयड दैट इज दे कंटेन 32 क्रोमोसोम्स एंड मेल्स आर हैप्लॉयड दैट इज दे कंटेन द 16 क्रोमोसोम्स. ऑलराइट, तो दिस इज कॉल्ड एन हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम. तो बीज में किस प्रकार का सिस्टम है सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम? इट इज हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम, जिसमें क्या हो रहा है, सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम. तो दिस इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम एंड हैज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर सच एज द मेल्स दे प्रोड्यूस स्पर्म बाय द माइटोसिस. तो यहाँ पे जो मेल्स होते हैं हैप्लॉयड, तो ये स्पर्म कैसे प्रोड्यूस करेंगे? थ्रू माइटोसिस. स्पर्म जो है वो जनरली, ठीक है, मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं, तभी स्पर्म जो होते हैं वो होते हैं हैप्लॉयड. ठीक है, दिस इज क्लियर. नाउ दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स बट हैव अ फादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन्स. तो जो मेल्स होते हैं, मेल्स के फादर नहीं होते, ऑब्वियसली देर विल बी नो फादर बिकॉज देर इज नो फर्टिलाइजेशन. तो पार्थिनोजेनेसिस में क्या हो रहा है, अनफर्टिलाइज एग डेवलप्स इनटू द मेल. एग जो होता है, एग होता है हैप्लॉयड, क्योंकि वो इट इज प्रोड्यूस बाय मियोसिस. ठीक है, तो एग जो होता है वो, उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती और वो बनाता है मेल ऑफरिंग जिसको बोलते हैं ड्रोन. तो यहां पर क्या लिखा है, They do not have father and thus cannot have the sons, but have a father and can have the grandsons. But they have the grandfather. तो इनका grandfather हो सकता है. तो इसको समझते हैं हम इस figure से. तो this figure is showing you the sex determination in the honeybee. So depending on the number of chromosomes, the sex is determined in honeybee. तो ये तो parents हैं, female parent और male parent. Female parent में आपने देखा 32 क्रोमोजोम प्रेजेंट है, मेल में 16 क्रोमोजोम प्रेजेंट है. तो मेल जो है वो है हैप्लॉयड है और फीमेल्स क्या है, डिप्लॉयड. अब मियोसिस, मियोसिस से क्या प्रोड्यूस होते हैं, गैमीट्स. ठीक है, गैमीट्स जो होते हैं वो होते हैं हैप्लॉयड. ये हैप्लॉयड क्यों होते हैं, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस थ्रू मियोसिस. ठीक है, अब मियोसिस के बाद रिडक्शन हो जाती है क्रोमोसोम्स की. तो यहां पे 16 और 16 दो सेल्स बन गए. ठीक है, अब क्या होगा, आप देख सकते हैं मेल में, तो F1 जनरेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मेल में 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट है. अब क्या होगा, मेल में माइटोसिस होएगी और वो क्या बनाएगा, ठीक है, स्पर्म बनाएगा. स्पर्म में भी 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे. फिर ये स्पर्म जो है, it can fertilize with the egg and it will form the female. ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, ये female है. ठीक है, female में 32 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, males में होते हैं 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट. फीमेल हो गई डिप्लॉयड. फिर मियोसिस, ठीक है, मियोसिस होती है ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन. मियोसिस से रिडक्शन डिविजन हो गई. तो यहां पे जो गैमीट्स प्रोड्यूस हुए उसमें 16 क्रोमोसोम है. क्लियर? तो यहाँ पे मेल जो है, मेल में जो है 16 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि मेल्स आर डेवलप्ड बाय अनफर्टिलाइज्ड एग. ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये आपके थे एग्स. एग्स में 16 क्रोमोसोम से एग की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं हुआ. तो जो मेल प्रोड्यूस होंगे वो होंगे हैप्लॉयड एंड दे आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस. क्लियर? अब ये जो मेल्स हैं, ये माइटोसिस के द्वारा ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स. ठीक है, फिर ये जो स्पर्म है आपने देखा, दिस विल, यू कैन से, कनेक्ट विद द एग और इट विल फर्टिलाइज द एग. एग में भी 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. तो फिर आपका क्या बन जाएगा, फीमेल विच हैव 32 क्रोमोसोम्स. ठीक है, दिस इज क्लियर. अब आगे चलते हैं. नाउ हाउ इज द सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म डिफरेंट इन द बर्ड्स
इफ द स्पर्म और द एग रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स इन द चिक्स। तो सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम हमने बर्ड्स में देखा, बर्ड्स में क्या होता है, फीमेल हेट्रोगेमेटी। तो हमने देखा था मेल हेट्रोगेमेटी था वहां पे एक्स जीरो और एक्स वाई था, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मेल हेट्रोगेमेटी। फिर फीमेल फीमेल हेट्रोगेमेटी का क्या एग्जांपल था, यहाँ पे फीमेल जो है वो दो प्रकार के गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। तो इसका सिस्टम हम ले लेते हैं जेड 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 डब्ल्यू सिस्टम, जो कि प्रेजेंट होता है बर्ड्स में। यहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो दो प्रकार के गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो ये है बर्ड्स में, एक्स जीरो था, ये था ग्रास हॉपर में। एक्स वाई का एग्जांपल हमने लिया था ह्यूमंस, ठीक है। तो जेड डब्ल्यू ये हैं फीमेल्स, फीमेल्स में दो प्रकार के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, जेड जेड है। अगर जेड जेड होगा तो वहां पे दैट विल डेवलप इन टू द मेल। तो यहाँ पे क्या है, हाउ इज सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म डिफरेंट इन द बर्ड्स। तो बर्ड्स में क्या हो रहा है, फीमेल जो है वो दो प्रकार के गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही हैं और इसको हम बोलते हैं फीमेल हेट्रोगेमेटी। और जो बाकी के जो सिस्टम्स हमने पढ़े, सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम जैसे कि एक्स वाई और एक्स जीरो, वो उदाहरण है मेल हेट्रोगेमेटी के, यानी कि मेल्स आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट। फीमेल हेट्रोगेमेटी में फीमेल्स आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स, ठीक है। और आप देख सकते हैं जो एक्स वाई सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम था या एक्स जो जीरो था, वहां पे मेल इज डिटरमाइनिंग द सेक्स। अब ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे मेल या द स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द ऑफरिंग्स। और बर्ड्स के केस में क्या होता है, फीमेल फीमेल और द एग, दिस विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑफरिंग्स, ठीक है। अब आपको इसमें डिस्टिंक्शंस पता लग गई, दोनों में डिफरेंसेस पता लग गए। अब हम स्टार्ट करते हैं म्यूटेशंस। तो म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन इज अ फिनोमेना विच रिजल्ट इन द ऑल्टरेशन ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेस एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन चेंजेस इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो म्यूटेशन की सिंपल डेफिनेशन, म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, डीएनए सीक्वेंसेस में चेंजेस आ जाते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, ठीक है, अगर उसमें चेंजेस आ गए, ठीक है, तब क्या होगा, देर विल बी चेंजेस इन दी जीन। तो न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस हुए यानी कि जीन में चेंजेस हो गए। अब क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो जीन का प्रोडक्ट है वो भी ऑल्टर हो जाता है। अब जीन का प्रोडक्ट ऑल्टर हो गया तो फिनोटाइप ऑल्टर हो जाता है, तो वही यहाँ पे लिखा है। तो देर इज द ऑल्टरेशन इन दी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच रिजल्ट इन दी चेंज इन दी जीनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप में भी चेंजेस आएंगे और फिनोटाइप में भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये जो जीन है अब या तो फिर ये नॉन फंक्शनल हो गया, ठीक है, या तो फिर ये जो इसका प्रोडक्ट था वो बना ही नहीं रहा है, या ये कोई और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा, तो जिसकी वजह से फिनोटाइप में चेंजेस आ जाएंगे। और जीनोटाइप में चेंजेस क्यों आए, क्योंकि देयर इज अ चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस, देयर इज अ चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड्स। In addition to recombination, mutation is another phenomena that leads to variation. तो हमने पढ़ा था during the sexual reproduction and during the meiosis. क्या होता है, recombination होती है वहाँ पे, recombination and crossing over. तो जब भी gametes बनते हैं तो उसके दौरान होती है meiosis. Gametes meiosis से बनते हैं और meiosis में होती है recombination. Recombination क्या होता है, exchange of the genetic material. इसका बोलते हैं हम recombination. And this is the source of the variation. ठीक है, तभी sexual reproduction में variations आती हैं। So one of the cause of variation during sexual reproduction is recombination that happens during the meiosis. इसके अलावा mutation की वजह से भी variation आ सकती हैं।
तो म्यूटेशन की वजह से भी क्या होता है, देर इज अ चेंज इन दी डीएनए सीक्वेंस, जिसकी वजह से जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में भी चेंजेस आते हैं। अब आपने पढ़ा था डीएनए हेलिक्स, इट रन्स कंटिन्यूसली फ्रॉम वन एंड टू द अनदर, ठीक है, इन ईच क्रोमेटिड इन अ हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म। तो जो डीएनए है, ठीक है, ये बहुत ही टाइटली कॉइल्ड होता है एंड इट इज हाईली सुपर कॉइल्ड। अब ये सुपर कॉइल्ड क्यों होता है, ताकि ये इजिली अकोमोडेट हो जाए न्यूक्लियस में। तो ये बहुत ही सुपर कॉइल्ड फॉर्म, बहुत ही टाइटली कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो डीएनए होता है। देयरफॉर द लॉस मींस द डिलीशंस और गेन, ठीक है, लाइक इंसर्शंस और डुप्लीकेशंस ऑफ द सेगमेंट ऑफ द डीएनए रिजल्ट इन ऑल्टरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। जीन जो होती हैं वो क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो क्या होगा अगर क्रोमोसोम में, ठीक है, लॉस हो गया किसी भी रीजन का। लॉस कैसे होता है, देर कैन बी डिलीशन ऑफ सम रीजन ऑफ द क्रोमोसोम, दे कैन बी इंसर्शन एंड डुप्लीकेशन ऑल्सो, या तो कोई जो न्यूक्लियोटाइड्स थे वो ऐड हो गए या वो डुप्लीकेट हो गए, ठीक है। तो देर फॉर लॉस और गेन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन द ऑल्टरेशन इन द क्रोमोसोम। नाउ सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, ऑल्टरेशन इन द क्रोमोसोम रिजल्ट इन अबनॉर्मेलिटीज और एबरेशंस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं चेंज इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और द नंबर, ठीक है, ड्यू टू डिलीशंस, ड्यू टू डुप्लीकेशन, ड्यू टू इन्वर्जन, ठीक है, और ड्यू टू ट्रांसलोकेशन, दिस कैन डिसरप्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द जीन। अगर क्रोमोसोम में चेंजेस आते हैं, ठीक है, या जीन्स में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो वाइस वर्सा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर क्रोमोसोम में भी चेंजेस आते हैं तो जीन्स में भी चेंजेस आएंगे। तो अगर इंसर्शन हो रही है, डिलीशंस हो रहे हैं, इफ देर इज अ लॉस ऑफ द डीएनए सेगमेंट, इफ देर इज अ गेन ऑफ द डीएनए सेगमेंट ड्यू टू इंसर्शन या डुप्लीकेशन, देन ऑल्सो व्हाट विल हैपन, दिस विल रिजल्ट इन द चेंज इन द क्रोमोसोम, क्लियर। नाउ क्रोमोसोम एब्रेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द कैंसर सेल्स ऑल्सो। तो क्रोमोसोमल एब्रेशंस, ठीक है, तो क्रोमोसोमल एब्रेशंस क्या हो गई आपकी, ड्यू टू इंसर्शंस डिलीशंस, ठीक है, दिस कॉजेस द क्रोमोसोमल एब्रेशंस, और ये कैंसर सेल्स में भी देखे गए हैं। तो लॉट ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशंस अकर इन द कैंसर सेल्स ऑल्सो विच लीड्स टू द चेंजेस इन द एक्सप्रेशन ऑफ द क्रिटिकल जीन्स इन्वॉल्व इन द सेल कोज डिफ्रेंसिएशन एंड सेल रिपेयर। तो इन क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से क्या होता है, देर इज द चेंजेस इन द एक्सप्रेशन of the genes that are involved in the growth, differentiation and the cellular repair. In addition to the above, mutation also arise due to change in the single base pair of the DNA. So single base pair mutation कहते हैं इसको, यानी जहां पर सिर्फ एक base pair में changes आते हैं, ठीक है, सिर्फ एक base pair में यहां पर changes आते हैं, clear? ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, यानी कि सिर्फ एक बेस पेयर में चेंजेस आए। इसका क्लासिक एग्जांपल क्या है, सिकल सेल अनीमिया। तो सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, जो बीटा ग्लोबिन जीन होती है उसके सिक्स्थ कोडॉन में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो कोडॉन जो होता है वो होता है ट्रिपलेट होता है ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। तो वहां पे एक कोडॉन होता है जी ए जी, यहाँ पे एडिनिन इज रिप्लेस बाय थाइमिन, तो एडिनिन की जगह आ जाता है थाइमिन, ठीक है। तो ये है नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, या बोल सकते हैं नॉर्मल सेल, ये है सिकल सेल। सिकल सेल में क्या होता है, एडिनिन की जगह थाइमिन लग जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, तो ये तो हो गया आपका डीएनए लेवल पर। फिर आरएनए में क्या होगा, आरएनए के बारे में बात करें तो यहां पे तो जी ए जी होगा, पर यहां पे थाइमिन इज रिप्लेस बाय यूरेसिल, तो ये हो जाएगा जी यू जी, ठीक है, ये तो जी ए जी रहेगा। अब डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, तो आप डबल स्टैंडर्ड भी यहां पे बना सकते थे इसको, ठीक है। अब प्रोटीन लेवल पे क्या होगा, तो यहां पे प्रोटीन जो है वो चेंज हो जाता है, तो जीन का प्रोडक्ट है वो यहां पे चेंज हो गया, ठीक है। तो जी ए जी क्या कोड करता था, ग्लूटामिक एसिड,
जीएलयू क्या है? ग्लूटामिक एसिड। अब ये क्या बनाना शुरू कर देता है? वैलीन। तो सिकल सेल जो होते हैं उस कंडीशन में वैलीन प्रोड्यूस होता है इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड। तो जीएल क्यू होता है, जीएलयू इज ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन, यानी कि देर इज अ चेंज इन द सिंगल बेस पेयर। तो यहां पे आप देख सकते हैं एक की जगह टी आ गया, और अगर हम आरएनए में क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल आता है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं जीन के प्रोडक्ट में ही चेंजेस आ गए, यहां पे ग्लूटामिक एसिड बनता है यहां पे। ठीक है, तो ये जो कोडॉन है, कोडॉन में चेंजेस आ गए। तो ये जो कोडॉन है पहले ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता था, और फिर अब वो कोड कर रहा है वैलिन के लिए। अब वैलिन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जिसकी वजह से जो सेल है उसका शेप हो जाता है सिकल सेल। आगे चलते हैं, अब आगे डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ द बेस पेयर्स ऑफ द डीएनए कॉजेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो अगर डिलीशन और इंसर्शन होती है ऑफ एनी बेस पेयर, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो गया या एक न्यूक्लियोटाइड को की एडिशन हुई, उसकी वजह से भी क्या होता है, म्यूटेशन हो सकती है, एंड इट कैन लीड टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इस प्रकार की म्यूटेशन को कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, ठीक है, तो इन प्रकार की म्यूटेशन में देयर इज एडिशन और डिलीशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए सीक्वेंस, जिसकी वजह से जो रीडिंग फ्रेम है वो डिसरप्ट हो जाती है। ठीक है, और इस ऑल्टरेशन की वजह से क्या होता है, तो जेनेटिक कोड जो है दैट इज नॉट रेड परफेक्टली। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कोडॉन जो होते हैं वो थ्री न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, तो अगर ऐड हो गया एक न्यूक्लियोटाइड तो रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो देयर इज ड्यू टू एडिशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड और ड्यू टू डिलीशन ऑफ इवन वन न्यूक्लियोटाइड, और ड्यू टू एडिशन ऑफ वन बेस पेयर और ड्यू टू डिलीशन ऑफ वन बेस पेयर, व्हाट विल हैपन, द रीडिंग फ्रेम विल चेंज। सो देयर विल बी द ऑल्टरेशन ऑफ द रीडिंग फ्रेम। ठीक है, क्लियर। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोटीन बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन एट दिस लेवल। तो डिटेल में हम म्यूटेशन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लियर, आपको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन समझ में आ गया। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं, अगर सीक्वेंस है ए टी सी ए जी, तो यहाँ पे अगर इस पोजीशन पे अगर एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ, सपोज यहाँ पे ऐड हुआ, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड, तो ये था ए टी सी, और यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया जी, और फिर है ए और जी। ठीक है, यहाँ पे आप एक और न्यूक्लियोटाइड ले लीजिए, टी ले लीजिए, तो आप देख सकते हैं पहले कोडॉन्स क्या क्या थे, ये था और ये था, अब एक ऐड हो गया तो यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गई, तो अब ये एक ट्रिपलेट बन गया और फिर ये एक ट्रिपलेट बन गया। तो ऐसे ही अगर हम डिलीट करें तो उसके कारण भी देर विल बी चेंज इन दी यू कैन से दी रीडिंग फ्रेम। क्लियर, अब आगे चलते हैं। हाउएवर देर आर मैनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स दैट इंड्यूस म्यूटेशंस। तो बहुत से ऐसे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं म्यूटाजेंस, केमिकल म्यूटाजेंस। ठीक है, तो म्यूटाजेंस क्या होते हैं, विच कॉज म्यूटेशन। तो फिजिकल म्यूटाजेंस हो गए, केमिकल म्यूटाजेंस हो गए। तो फिजिकल कौन से होते हैं, जैसे कि यूवी रेडिएशंस और एक्सरेज, तो ये होते हैं फिजिकल। और केमिकल में आपके क्या आ गए, तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, इवन द पेस्टिसाइड्स जो यूज हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स वो भी म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, जैसे कि नाइट्रस एसिड हो गया, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, फिर बेंजीन, कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ये सारे होते हैं केमिकल म्यूटाजेंस। तो ये क्या करते हैं, डीएनए सीक्वेंसेस में चेंजेस कर देते हैं। और जो फिजिकल जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि यूवी रेडिएशन और एक्सरेज, ये क्या करते हैं, ये डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर देते हैं।
ठीक है, क्लियर। सो यूवी रेडिएशन कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, तो इट इज अ म्यूटाजन, सो इट इज अ फिजिकल म्यूटाजन। यूवी रेडिएशन के अलावा आप एक्सरेज भी लिख सकते हैं, एक्सरेज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, फिजिकल म्यूटाजन। क्लियर है? तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? तो आज के लेक्चर में हमने तो सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म देखे, क्लियर, और वहां पे हमने मेल हेट्रोगेमिटी और फीमेल हेट्रोगेमिटी के बारे में पढ़ा। तो मेल हेट्रोगेमिटी में क्या होता है, मेल जो है वो दो प्रकार के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल हेट्रोगेमिटी में क्या होता है, फीमेल जो है वो दो प्रकार के गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। फिर हमने देखा इंसेक्ट्स में, जैसे कि ग्रास हॉपर में एक्स जीरो सिस्टम है, और जो ह्यूमंस है उसमें एक्स वाई सिस्टम है। तो ये दोनों उदाहरण है मेल हेट्रोगेमिटी के, यानी कि यहाँ पे मेल्स जो हैं वो दो प्रकार के गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और फीमेल हेट्रोगेमिटी का एग्जांपल क्या देखा था हमने, जेड जेड और जेड डब्ल्यू सिस्टम, जो कि होता है बर्ड्स में, क्लियर। फिर हमने क्या पढ़ा, म्यूटेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, म्यूटेशन जो होते हैं, ठीक है, वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे देयर इज द एडिशन और डिलीशन ऑफ द बेस पेयर्स। फिर क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया का हमने एग्जांपल देखा। सिकल सेल एनीमिया में हमने देखा देयर इज अ चेंज इन द सिंगल बेस पेयर, सिंगल बेस पेयर, तो इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, वे देयर इज अ चेंज इन द सिंगल बेस पेयर। तो हमने एक उदाहरण से समझा था। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, बीटा ग्लोबिन जीन होती है, उसके सिक्स कोडॉन में चेंजेस आ जाते हैं, जहाँ पे एडेनिन इज रिप्लेस बाय थायमिन, और ग्लूटामिक एसिड की जगह फिर वैलिन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ ये सेशन, ये लेक्चर आपको बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा, और आप हमसे जुड़े रहिए। हम आपसे मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।